एक बार डॉक्टर को अर्जेंट कॉल आती है तो डॉक्टर हॉस्पिटल पहुंचता है। दरअसल कोई इंसान अपने बेटे के ऑपरेशन के लिए डॉक्टर को इमरजेंसी में बुलाता है, लेकिन डॉक्टर के थोड़ा सा लेट होने पे वो इंसान डॉक्टर के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और कहता है कि मेरे बेटे की जगह अगर आपका बेटा होता तो आप क्या उसे मरने देते। तभी डॉक्टर मुस्कुराते हुए कहता है, मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरा काम लोगों की जान बचाना है, ना कि उनकी उम्र को बढ़ाना। मैं आपके बेटे के लिए 100% दूंगा, बस आप उसके लिए दुआ करते रहें। ये कहकर डॉक्टर सर्जरी के लिए चला जाता है और कुछ देर तक सर्जरी चलती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब डॉक्टर बाहर निकलता है तो मुस्कुराते हुए उस पिता से कहता है कि आपका बेटा अब ठीक है, और ये कहकर डॉक्टर जल्दबाजी में चला जाता है। लेकिन जब वो पिता पास में बैठी नर्स से पूछता है आखिर ये डॉक्टर इतनी जल्दी में क्यों है, तो नर्स रोते हुए कहती है कल इनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया था जिसमें उसकी जान चली गई थी और ये उसका अंतिम संस्कार कर रहे थे। लेकिन जब हॉस्पिटल से इमरजेंसी कॉल इनके पास गई थी तो ये अपने बेटे का अंतिम संस्कार छोड़कर हॉस्पिटल आ गए थे। अब ये अपने घर जाकर अपने बेटे का अंतिम संस्कार करेंगे। ये सुनते ही उस पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसलिए कभी भी किसी को जज नहीं करना चाहिए, क्या पता उसकी क्या प्रॉब्लम हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आखिर क्यों इन बेजुबान जानवरों को ये जहरीले सांप जबरदस्ती खिलाए जाते हैं, क्या आप लोग जानते हैं इसके पीछे की वजह? दरअसल जब ऊँटों को जेनेटिक्स पैरासाइट्स की बीमारी हो जाती है तो ऊँट अपना खाना पीना सब कुछ बंद कर देते हैं और वो काफी परेशान हो जाता है और वो आसमान की तरफ देखता रहता है। इसलिए वो ऊँटों को जहरीले सांप खिलाए जाते हैं जिससे कि उनको हेमोरेजिक नाम की बीमारी हो जाती है। इस बीमारी के होते ही ऊँट अपना खाना पीना फिर से दोबारा शुरू कर देते हैं। ये लड़का तालाब के पास बैठे मगरमच्छों के फोटो खींच रहा होता है, तभी इसके दोस्त आवाज लगाते हैं कि ऊपर आ जाओ, मगरमच्छ तुम्हारे काफी करीब आ चुके हैं। जब मगरमच्छ इस लड़के के काफी करीब आ जाता है तो वो पत्थर फेंक कर मारते हैं ताकि मगरमच्छ का ध्यान उस पत्थर की तरफ जा सके। जैसे ही इस लड़के के दोस्त इसे ऊपर आने के लिए कहते हैं तो ये अपने दोस्तों को शांत रहने के लिए कहता है और किसी की बात नहीं मानता। जब तक इस लड़के के ऊपर मगरमच्छ हमला नहीं कर देता तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और फाइनली मगरमच्छ इस लड़के के ऊपर हमला कर देता है और ये अपनी जान बचाकर वहां से भागता है। हो सकता है ये लड़का दोबारा कभी इस तरह के फोटो को खींचने की हिम्मत ना करे।